चलो नेटवर्क ठीक है वैसे ना? ठीक है यस चलो सर। चलो 13.1 क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ले रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया वॉल्यूम। अ प्लास्टिक बॉक्स इज 1.5 मीटर लॉन्ग। मैं रेफर करूंगा, आप नॉर्मली क्या करना, डायग्राम ऐसे बना लेना। अच्छा डायग्राम बनाने से थोड़ा क्वेश्चन क्लियर होता है। ये प्लास्टिक बॉक्स है, 1.5 मीटर इसकी लेंथ है, 1.25 मीटर इसकी विड्थ है और 65 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ हो गई। डेप्थ मतलब गहराई, ठीक है। आगे इट इज ओपन एट द टॉप। अब देखो क्या बोल दिया इसने, यही पहले वाले क्वेश्चन में बोल दिया भैया, ओपन फ्रॉम द टॉप, इग्नोर द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक, ठीक है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स। अब एरिया, अब यहाँ पे कौन सा लगेगा फॉर्मूला, जो ऊपर से खुला हो। और अच्छा बात यहाँ पर यह है कि बोलेगा टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स मुझे निकालना है। तो मगर बोलूंगा मैं टोटल, मगर मैं लूंगा थोड़ी टोटल, दूंगा तो पांच का ही ना, दूंगा तो पांच सरफेस। हाँ टू बी एच से फॉर्म लेगा, टू बी एच टू बी एच प्लस टू एल एच प्लस टू एल एच प्लस आई बी। प्लस एक एल बी लूंगा, क्योंकि ओपन ओपन फ्रॉम द सर आपको टॉप बाइनरी है। सर्च करना एक सबसे बड़ी चीज जो आपको शक होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते से, कि ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में। देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम या मेंसुरेशन का तो सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या होता है, सबसे सबसे ज्यादा जो चीज है इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं होती है, सिंपल दिया होता है सब कुछ। सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखते से ही आप क्या करो कि देखो सबकी यूनिट सेम है या डिफरेंट है। डिफरेंट होगी तो आपको चेंज करना जरूरी है, वरना पूरा क्वेश्चन गलत। तो सबसे पहली प्रिकॉशन हैशटैग क्या ध्यान रखना, ऑलवेज चेक द यूनिट्स, लिख लो नंबर वन हैशटैग है, ऑलवेज चेक द यूनिट बिफोर सॉल्विंग। आगे बढ़ने से पहले आपको यूनिट तो चेक करना ही करना है। चलेगा तो मैं 65 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख लूं, 0.65 मीटर, इज इट ओके? या सारा सेंटीमीटर में कर ले, सारा सेंटीमीटर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई है ये 150 150 सेंटीमीटर। अब ये हम क्या करते हैं, हम बिगर क्वांटिटी को स्मॉलर में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई, और स्मॉलर को बिगर में करते हैं तो डिवाइड। डिवाइड। बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, सीखा है ना, बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई होता है। तो कौन सा ले ले, हम सेंटीमीटर की वैल्यू ले लेते हैं, ये सेंटीमीटर की वैल्यू हम ले लें और क्या निकाल लें, सरफेस एरिया इज इक्वल टू टू। सर हाँ 64 ऑलरेडी सेंटीमीटर। तो 65 से उसको तो मैंने पहले मीटर में चल रहा था, इसलिए मैंने सर्कल इसको किया है, इन तीनों को ले रहा हूँ। मैंने पहले मीटर में चेंज किया, फिर देखा वो डेसिमल में आ रहा है तो पंगा हो जा रहा है, मैं चलो यार सेंटीमीटर में रख लेते हैं। चलो 2 BH, तो अच्छा ये ब्रेथ मतलब ये हाइट है, ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 × 125 × 65 प्लस 2 LH, मतलब 150 × हाइट कितना हो गया 65, और प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 125 और 150 का मल्टीप्लाई, 150 इज मल्टीप्लाइड बाय 125। तो दिस विल बी द आंसर, कैलकुलेशन कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका नहीं, सरफेस एरिया साउथ अफ्रीका नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं, हार गई बेचारी, मतलब से बाहर। ये हो गया मेरे पास में 250 इंटू में 65 प्लस में इसको लगा लो अब 300 इंटू में 65 प्लस 15 की टेबल यदि आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो कर लेना। 15 × 5 = 75, 7 कैरी, 15 × 2 = 30 प्लस 7 = 37 और 7 कैरी ओवर 3, 15 × 15 + 3 = 18, तो ये निकला आपका 18। अच्छा एक बात और, मैंने मल्टीप्लाई में देखो क्या यूज किया है ना, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ यूज किया है, और बचपन में सीखा होगा आपने कि जब तीन चार नंबर मल्टीप्लाई में हो या ऐड में हो तो क्या करना चाहिए, आपको वो पहले मल्टीप्लाई करना है जिसमें से आपको जीरो ज्यादा मिले। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 250 लिया, ठीक है, इन दोनों का मतलब 300 आया, तो हमें वो पेयर लेने होते हैं। इन दोनों का पहले मत करना बिकॉज वो बड़ा हो जाएगा। हाँ तो ये मल्टीप्लाई की चीज हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 की टेबल आती है कि 65 की टेबल आती है, 25 × 125, 25 × 125, अच्छा 25 की आती है ना, 25 × 25 तक नहीं, 25 की आना चाहिए, और 25 की बढ़िया मतलब पेप्सी की बॉटल 25 रुपए की आती है ना, 25 वाली ले ले, 25 रुपए की तो बॉटल आती पेप्सी की स्लाइस की ले रहे 25 रुपए में, तो दो बॉटल कितने की, 50, 3 बॉटल कितने की, 4 बॉटल कितने की, तो 8 कितने की भाई, 4 बॉटल 100 की,
200। कितने की? चार बोतल ले रही 100 रुपए की, तो 8 बोतल कितने की? सर हाँ तो 200 ना, 200 की। ठीक है याद हो गए देखो, 25 फोर जा 100, 25 एट जा 200। अच्छा फोर जा पे 100 है, तो इतना क्यों बोल रहा है? 25 आई सर, मतलब ठीक है सब जरूरी है, कैलकुलेशन की चीजें। 25 आई सर 125 कितने कैरी आए? 25 सिक्स जा 150 मल्टीप्लाई कर लिया आपने। अच्छा अभी देख रहा हूँ, करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई कितना है? करो भाई निकालो आंसर, जल्दी निकालो। कितना आया सर एग्जाम, कितना आया टोटल? टोटल टोटल सेंटीमीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लिखने क्या करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर को तो डिवाइड किससे कर देंगे? 200 क्योंकि स्क्वायर है ना, एक नहीं है दो है सेंटीमीटर होता तो। हाँ सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 1 बार 100 लगाते हैं, तो यदि मुझे मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए कितना? 1, 2, 3, 4 मतलब 3.762 मीटर स्क्वायर, आंसर मीटर स्क्वायर में दिया होगा पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ करें। सॉरी मैं इसका कॉस्ट तो निकालेंगे, एरिया जो है आपका जो निकला था मीटर स्क्वायर कितना फिर से बोलना? 3.7625 मीटर स्क्वायर। अब इसका कॉस्ट भी निकालना, दूसरा लिख लो ये कॉस्ट वाले का टोटल हैशटैग लिख लो इसको, जहां भी आपको टोटल कॉस्ट निकालनी हो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू लगा लेगा फार्मूला भैया रेट मल्टीप्लाइड बाय या तो एरिया स्लैश वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, रेट इनटू एरिया। रेट मतलब भाव, भाव मतलब एक का कितना भाई है ना, रेट भाई 10 का 1 10 का 1 10 का 1 वॉल्यूम है वो, एरिया रेट है वो, रेडियस नहीं रेट है, रेट इनटू एरिया स्लैश वॉल्यूम, या तो आपका एरिया होगा वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मेरे पास कैसे निकलेगी, रेट कितना दिया 10 का 1 10 का 1 20 का 1 20 का 1 20 का 1 कितने का है? 20 एक मीटर वही ना, 20 का 1 20 का 1 20 का 1 दैट इज कॉल्ड रेट, दैट इज कॉल्ड रेट। तो 20 इज मल्टीप्लाइड बाय 3.7625 आंसर आपका कितना आएगा, डबल कर ले इसका, 2 5 10 2 2 4 5 2 6 12 1 7 डेसिमल कितने बार लगेगा? 4 के बाद 75.25 इंडियन करेंसी रुपीस। आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा अगला है मेरे पास में द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम इज, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, लेंथ इज इक्वल टू 5 ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर मीटर और हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल एंड वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग, रेट कितना दिया इस बार? इस बार जो रेट है
7.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, रेट हो गया। तो रेट का मतलब क्या भाव, क्या भाव चल रहा है, साढ़े सात का एक पर मतलब एक, पर मतलब एक होता है। चलिए तो लेंथ ब्रेथ और हाइट। अच्छा व्हाइट वॉशिंग करनी है, किसी ने अपने घर में जमीन पे व्हाइट वॉशिंग करवाई है क्या? नहीं ना। तो नीचे का इस बार छोड़ना है, कहा सीलिंग को करना है, चार वॉल को करना है। यहाँ पर भी कौन सा लगेगा आपका, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो पहले आप इसमें निकालो एरिया, वो कितना बी एच प्लस में दो एल एच और एल बी, एक बार छत का एल बी, इस बार एल बी छत का हो चाहे जमीन का हो, बात एक ही है। जरा फटाक से निकालो, तुम जरा फटाक से निकालो टू। अच्छा यूनिट चेक कर लिया, जो कोई दिक्कत है यूनिट में, यूनिट सारी सेम है। चलो पुट करो वैल्यू, एल बी एच मतलब 4 × 3 प्लस 2 एल एच। डायरेक्ट नहीं कर सकते, छोटे नंबर है, यहाँ छोटे नंबर पहले निकालो। एरिया, एरिया निकाल के क्या निकालो, कॉस्ट निकालो जल्दी। मीटर स्क्वायर। और किसी का रिदम कितना आ रहा है सर? एरिया 74 मीटर स्क्वायर है। एरिया 74 मीटर स्क्वायर। और टोटल कॉस्ट भाई, टोटल कॉस्ट 74 इज मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है, 7.50। चलो 100 लगा लो, कर लो। अच्छा ये 10 से 10 कैंसिल। नीचे का 10 काटने का रूल क्या था, नीचे का 10 काट सकते हैं, क्या रूल था? ऊपर 2 के फैक्टर भी होना चाहिए और 5 के फैक्टर भी होना चाहिए। देखो 2 भी है और 5 भी है, तो उसको उड़ा दो। पहले 2 से काटे कितना, 2 3 2 7 2 5 5 1 5 15 15 30 का मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करके 15 7 1 0 5 मतलब 5 तो 10 कैरी आया। 55 + 10 55 अगला क्वेश्चन करें, खत्म हो गया? यस सर। यूनिट चेक करके जाना भैया, आसान चैप्टर है ये, अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी में तो इजी है, थोड़ा सा आरटी वारटी निकालेंगे। और जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे ना, मिक्स मतलब जहाँ पर आपको पता नहीं है एरिया वॉल्यूम सब मिला के आएगा पैरामीटर, तब उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चल अगला थर्ड वाला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पैरामीटर। अच्छा पैरामीटर कितना हो गया, 250। भैया कमरा है रेक्टेंगुलर हॉल, तो उसका पेरीमीटर मतलब क्या, नीचे का हो गया 2l + b, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 250 आया आपके पास। आगे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल एट द रेट ऑफ, अच्छा रेट इस बार बोलो क्या चल रहा है, 10 × 1 10 × 1 10 × 1 है भैया, 10 × 1 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा 15,000 पता है क्या है, वो है टोटल कॉस्ट है। इस बार मुझे कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट दे रखा है, आ गया ना उल्टा। हमेशा क्या सीखा है मैथ्स में, सीधा सीखते हैं और आता उसका उल्टा है। आपने भी क्या सीखा, निकालना टोटल कॉस्ट निकालना सीखा है ना। और आपको क्या करना है, अब कॉस्ट दे दिया, रेट भी दे दिया, क्या पूछा उसने, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉल शायद, या हाइट। चलो अब ये इसमें हम कितने सरफेस काउंट कर रहे हैं, 4 या 5 या 6, ये बताइए अनीशा, इस क्वेश्चन में हम कितने सरफेस काउंट कर रहे हैं, 4 या 5 या 6? अरे क्वेश्चन ही नहीं पड़ा, पांच नहीं। मुझे धीरे धीरे ये अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं क्या करता हूँ, टीचिंग का मतलब ये हुआ कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ा, समझाया, शॉर्ट टेक्स्ट बता दी, आंसर निकाले, तुम लोग कॉपी कर लिया। ये उनके लिए इफेक्टिव होता है जो बच्चे अटेंटिव है, अटेंटिव मतलब वो उनको पता है कि उनको खुद में क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जो बच्चे अटेंटिव नहीं रहते उनके लिए मुझे यही काम करना पड़ेगा कि तुम ही लोग क्वेश्चन पढ़ो,
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब चीजें बिल्कुल बढ़िया से तैयार करके डेकोरेट करके सजा के आपके सामने ऐसा रख देता हूँ, बस तुम खा लो बेटा। तो बड़ा मजा आता है इसमें। अब क्या धीरे धीरे तुम लोग को खुद खाना बनाना सीखना है, ठीक है? तो बताओ इसमें एरिया, लावण्या गलत बताया आपने, मतलब आयशा फोर वॉल की बात कर रहा हूँ। यही तो ध्यान रखना है ना कि आपको किस क्वेश्चन में चार लेना है, पांच लेना है कि छह लेना है। फिर पहले वाले में पांच लिया था, दूसरे में पांच लिया था, इसमें चार लेना है, ठीक है? अब चार वॉल का एरिया क्या था? लेटर, हाँ तो क्या था बताओ ना फॉर्मूला। टू अच्छा, उसका एक और फॉर्मूला क्या बताया था? पेरीमीटर याद करो, लिखवाया था देखो, एच इंटू पेरीमीटर था ना, इंटू एल प्लस बी। बताया था ना? सर वो तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला, सॉरी मतलब जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी टू। अच्छा चार वॉल में मैं आपको फिर से बताता हूँ, टू बी एच लेते हैं प्लस में टू एल एच लेते हैं, पर ये आसान हो जाएगा। इसमें से टू एच कॉमन निकाला, जितना बचा एल प्लस बी। तो पता नहीं किसी बच्चे को क्लिक हुआ था, बोले सर इसमें से आप क्या करो हाइट को निकाल दो, तो देखो पेरीमीटर है टू एल प्लस बी। किसको क्लिक हुआ था ये? आपको। आपको? अरे गजब, ये एच आप निकाल दो तो क्या बन गया है? ये आपका बन गया टू इंटू में एल प्लस बी, और बेसिकली बोलो क्या होता है ये आपका पेरीमीटर होता है ना। तो फॉर्मूले हमने क्या लिखा है, हाइट इंटू पेरीमीटर, हाइट इंटू पेरीमीटर। अच्छा एक और बात बोल दो, सिलेंडर में क्या होता है? सिलेंडर में भी क्या जो ऊपर ला है, तो वो तो हाइट इंटू पेरीमीटर था ना, टू पाई आर पेरीमीटर हो गया, इंटू हाइट कर दिया हमने। सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया था वो क्या था? टू पाई आर एस था। चल अब बता एरिया तेरे को निकालना है, एरिया कितना है नहीं मालूम ना, हाइट इंटू पेरीमीटर ये फॉर्मूला हो। अच्छा हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? टोटल टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू में एरिया। चलो अब टोटल कॉस्ट कितना है अनीशा? 15,000। रेट कितना है अनीशा? 10 10 का है, 10 का है, 10 का है। मीटर और एरिया क्या लेंगे? ये लेंगे क्या लेंगे? हाइट इनटू पेरीमीटर। और बोलो पेरीमीटर दिया है कि नहीं दिया है? तो अच्छा 10 से 10 काट दो पहले, तो ठीक है ये बचा 1500 इज इक्वल टू हाइट इनटू कितना? 200 सेंटीमीटर, 250, 250। जीरो से जीरो गया, अरे डिवाइड लगा के काटो थे, ऐसे ही काटो, बात एक ही ट्रांसपोज होगी डिवाइड में आएगा तो फिर तो काटो कहीं ना, मैं ऐसे ही काट रखता हूँ। धीरे धीरे बढ़ो बढ़ो सब चीजों को सीखो। अच्छा 25 से कटेगा, 25 में 6 पे कटता ना, 25 6 से 150, तो हाइट बराबर कितना निकला? 6 मीटर। डन, आगे बढ़े, रिदम हो गया। यस सर। चल ये पॉइंट जरा गजब था पार्थ, इतने दिनों में बस यही पॉइंट मेरे को लगा है, तुमने बिल्कुल धातु वाला दिया था। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर्थ है। फोर्थ है पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एरिया। तो एरिया जो है इस बार है 9.375 मीटर स्क्वायर। बेसिकली ये टोटल है, टोटल एरिया मतलब हम कितना पेंट कर सकते हैं, कितना हम पेंट कर सकते हैं। अच्छा इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल, अरे मैं कहां चला गया सॉरी, हाउ मच बिल्स ऑफ डाइमेंशंस, डाइमेंशन कितना है? 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5। सर डायग्राम बना ले? हां नहीं नॉट रिक्वायर्ड, यहां जरूरत नहीं, यहां पर ही बताऊंगा क्या करना आपको। यहां पर टोटल एरिया है और ये ब्रिक है उसका डाइमेंशन दे रहा है, ब्रिक लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो ब्रिक छोटी छोटी होती है सेंटीमीटर में, इतनी बड़ी बड़ी ब्रिक्स है सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे फिर आई एम नॉट गोइंग टू सर्व, आप लोग खुद क्वेश्चन को रीड करके समझो करना क्या है। सर इसमें हमें ब्रिक्स का एरिया निकाल करके टोटल एरिया से डिवाइड करना है ना, यूनिट्स चेंज करके पहले। हाँ बेटा वेरी गुड वेरी गुड। तो एक फॉर्मूला 8th क्लास में भी लिखवाया था क्या, जहां भी पूछा जाए नंबर ऑफ, ये वर्ड ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ, लिख लो हैशटैग, बहुत इंपॉर्टेंट है 9th एंड 10th दोनों के लिए, नंबर ऑफ। अब यहां पर आपका क्या आ जाए? एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, ग्लास, शर्ट, कपड़ा, ईट, रसगुल्ले, कुछ भी हो सकते हैं, रसगुल्ले भी हो सकते हैं, माचिस है ना, मैच बॉक्स, कुछ भी होगा, जो भी होगा
रिवॉल्यूशन भी होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितनी बार टायर घुमा वो सब। इसका मैं फिर बोल रहा हूँ गोल्डन रूल है, रिदम को याद है क्योंकि उसने एट में पढ़ा हुआ था, रिदम याद है ना? यस सर, जब ही तो बताया उसको क्लिक हो गया, आपको पता है तेरे को पढ़ाया एट में सर याद नहीं। नेक्स्ट ईयर से सोच रहा हूँ एट क्लास पढ़ाना शुरू कर दूँ, एट से बच्चे के नॉलेज बनना शुरू कर दूँ। आज से मजबूरी पढ़ाया था वो तो मैंने कोविड लग गया था, टाइम था मेरे से पढ़ दिया, एट का रूल शुरू करूँगा। नंबर ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ रिदम? सर टोटल एरिया वॉल्यूम जो वॉल्यूम स्लैश यहाँ पर टोटल लिखो, टोटल सॉरी टोटल है, टोटल यहाँ पर लिख लो टोटल या तो एरिया या तो वॉल्यूम या डिस्टेंस भी आता है रिवॉल्यूशन वाले डिवाइडेड बाय एरिया स्लैश वॉल्यूम या डिस्टेंस ऑफ किसका? ऊपर तो आएगा टोटल वाले, नीचे पता है किसका है? नीचे आएगा इसका, जिस जो चीज यहां पर है ना उसी का आप लोगे एरिया लोगे या तो वॉल्यूम लोगे या तो डिस्टेंस लोगे। डिस्टेंस ऑफ ये जो थिंग है ये वन थिंग, That one thing, जो आपने एनीथिंग लिया है ना उसी का आप एक का निकालोगे। यदि आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है तो एक रिवॉल्यूशन में कितना, यदि आपको एरिया पूछा है तो ये मान लो ग्लास है तो ग्लास का एक ग्लास का एरिया, मान लो यहाँ पे ईट है यहाँ ब्रिक है ना, अब क्या है यहाँ पर लिखा है मेरे पास नंबर ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू क्या आएगा भैया? अब यहाँ ब्रिक आ गया तो ऊपर क्या निकलेगा, टोटल एरिया आएगा कि वॉल्यूम आएगा? क्योंकि यहाँ पर हम एरिया लेंगे क्योंकि उसको व्हाइट वॉश करना है, ध्यान रखना। वॉल्यूम भी आ सकता है तब जब उसके अंदर बात करता है कि वो मिट्टी कितनी लगी हुई है, कंटेंट की बात करता है, अभी हम उसको व्हाइट वॉश कर रहे हैं। टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक, वन जरूरी है भाई साहब, वन जरूरी है ठीक है। यहाँ ब्रिक है तो यहाँ ब्रिक आया ठीक, यहाँ रसगुल्ले होंगे तो यहाँ भी रसगुल्ला है, फिर रसगुल्ले में वॉल्यूम आ जाएगी है ना, उसको तो वाइट वॉश नहीं कर सकते। चलो रसगुल्ले वाला क्वेश्चन है, टेंथ में जाओगे तो टेंथ मिलेगा आपको। हाँ जी, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स टोटल एरिया कितना है ये है ठीक है। टोटल पेंट जो कर सकता है उसका एरिया कितना गिवन है, ये गिवन है। और एरिया वन ब्रिक में कौन सा, फिर वही क्वेश्चन आएगा, चार सरफेस देंगे पांच सरफेस देंगे या छह सरफेस देंगे? अनिशा मेरे पीछे ही बढ़ रहा है, सारे क्वेश्चन मेरे से पूछो, जरूरी है छह? हाँ, क्योंकि भाई हमको चारों तरफ से उसको व्हाइट वॉश करना है ना। चलो तो यहाँ पर छह सरफेस देंगे तो क्या 2lb plus bh plus lh टोटल एरिया कितना 9.3, अच्छा सारे सेंटीमीटर में, सेम मीटर में है ये, सेंटीमीटर में क्या करें, उन्होंने गौर नहीं किया मीटर तो सेंटीमीटर में करो, तो मीटर स्मॉल करने मल्टीप्लाई होगा। अच्छा मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो एक बार 100 से मल्टीप्लाई करो, दो बार 100 से मल्टीप्लाई, और क्यूब होता तो वॉल्यूम में क्यूब होता है तो तीन बार ठीक है। तो दिस इज 9, अच्छा यही कर लो मल्टीप्लाई इनटू में 100 इनटू में 100, ये तीन डेसिमल है ना तो तीन जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 93750 अपॉन, चलो अब एल इंटू बी, ये एल है ये ब्रेथ है, यह डालो वैल्यू फॉर्मूला लिखो, डालो वैल्यू जल्दी से सर। इसमें हम जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पहले फॉर्मूले में वैल्यू डालो, हाँ एक सेकेंड, टू एल बी मतलब ये दोनों, पहले देखो 22.5 इनटू में 10 ठीक, प्लस 2 तो यहाँ सब में कॉमन ले ले, 2 सब में कॉमन है ना, 2 का क्या मतलब, 2 तो कॉमन निकालो सब में बिकॉज ये तीनों है इस बार, 2 क्या लेंगे BH मतलब 7.5 इनटू में 10 अच्छा प्लस 22.5 इनटू में 7.5 सबका 2 मैंने बाहर निकाल लिया, दिस इज गुड वन। अब ये एंजल टेल मी कि इसका मल्टीप्लाई टेन्स और हंड्रेड्स का मल्टीप्लाई करने के लिए
डेसिमल शिफ्टिंग होती है, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लो गलत है। ये आपको पता है डेसिमल शिफ्टिंग होती है, पता है कि नहीं पता है? ये डेसिमल के बाद एक नंबर है तो डेसिमल से कट गया, डेसिमल कट गया क्योंकि नीचे अपॉन में 10 आया, फिर से कट गया। इसमें भी शायद डेसिमल है, हाँ 7.5 है, ये डेसिमल से ये खत्म हो गया, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है चलो एक टू से पहले इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, या वही तो लगाया मैंने, मैंने फॉर्मूला बट डायरेक्ट डाल दी वैल्यू, हाँ टू कॉमन ले लिया। चलो 93750 अपॉन में 2, ये कितना निकला मल्टीप्लाई करके 225, ये कितना निकला 75, बताना तो अभी इसका कितना निकला, इसका और किसने मल्टीप्लाई किया, इसका किसने नहीं किया सर, इसका सर इसका 169.75 होगा, 169.75। बाकी लोग क्या कर रहे थे परी, ये तो करना पड़ेगा, आप उठ गए थे क्या सर, इसमें 7.5 क्या ये हाइट है, हाँ ये हाइट है बेटा, ये रहा ना, चलो 225 और 7.5, 5 5 25 11, 7 5 25 3 17 1 14 और ये 18, 5 7 8 9, ये तो मेरा कुछ और आ रहा है भाई, 198 आ रहा है रिदम सर, 198 होएगा फिर मैं तो मल्टीप्लाई करके देखा है, 525 टू 1 10 2 1 5 2 10 11 35 3 14 17 1 7 9 10 15 आएगा ना यहाँ पे, ये 15 आएगा, 169, हाँ ठीक है 168 है, 5 + 2 7 आया, 7 + 1 8 आया, 168.75। चलो अभी तीनों को ऐड करो, नो ऑप्शन, इन तीनों को ऐड करें हम लोग, 225.00, 75.00, 168.75, ऐसे ऐड करते हैं डेसिमल में, डेसिमल के नीचे डेसिमल डालते हैं, एडिशन करना आता है। चलो ये तो आपका 75 आ गया, ये कितना 81 क्या है, 4 6 8.75, और 4 6 8 7 5 में यदि आप 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आया देखो, इसका डबल कर दो 93750, ये आएगा 9375, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कितना है ये बताओ, 9375 तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा क्या, तो एक ही थोड़ी होगी गड़बड़, यहाँ 2 0 मीटर स्क्वायर, 9375 नहीं आएगा, हाँ मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, 2 5 10 11 12 15 1 16 17 1 13 0.50, अभी ये 0.50 पॉइंट बोल ही नहीं रहे तुम लोग, डेसिमल लगा के आ रहा है, मैंने बोला पॉइंट बोला ही नहीं किसी ने, अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितने 100 आ गए, ये दोनों पूरा पूरा कैंसिल, कितना निकला नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू 100, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, इसको समझाने में टाइम लगा बिकॉज ये फॉर्मूला था आपका, ये देखना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन रीड करो, अगला वाला इतना डाटा देखो क्या क्या है, एक्सरसाइज इसमें 8 एक्सरसाइज है यार, बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा जमी तो उसको मैंने अभी शुरू किया, बट 20 से पहले खत्म कर दूंगा चैप्टर,
क्लासेस बड़े एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यूबिकल बॉक्स हैज एच। अब इसमें आप देख लो एच वाली बात क्या बोल रहे हैं, एच का मतलब क्या होता है ना, कोने कोने। ये जो एच है वो ये है, ये एच 1 2 3 4 ऐसे 12 एच टोटल होती है। एच कितनी है इसकी, एच है क्यूबिकल बॉक्स का है 10, और दूसरा क्यूबॉइड है, दूसरा क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा है, क्या डायमेंशन है बोलो नीचे क्यूबॉइड का, ऊपर नीचे का तो क्या लेंगे भैया, 4 ही लेंगे, 4 लेंगे तो इसका तो बन जाएगा 4a² और इसका क्या बन जाएगा सर, 2x 2 x और n plus b और 2bx² वाला ना, या फिर सर h into 2h into में l plus b वही पैरामीटर वाला। यस सर, निकालो चलो जल्दी से, खुद से निकालो। एक बच्चा नहीं आता रिकॉर्डिंग के टेंशन, चलो ये कर लेना सर। इसका आंसर कितना निकला, 400 और इसका कितना निकला, 360 तो ये ज्यादा किसका है, इस वाले का है ना, तो इजी कैलकुलेशन है। ओके कर लेगा भाई, क्या नाम देना भगवान। अगला क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू डालनी है, अभी दिमाग वाले क्वेश्चन तो अभी आएंगे। अगला क्या है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ द ग्लास टोटल वाले भी वही है, नहीं पहले था लेटरल और दूसरे वाले पार्ट में टोटल, तो टोटल का फॉर्मूला क्या लगाएगा, 6a² और 2lb प्लस bh प्लस lh, ये आ गया आंसर इसके पहले वाले का। चलो टोटल भी निकाल लेगा, मैं अगला ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड entirely of glass plane including the base. अब length is equal to 30 cm. देख अक्षय सांगवान, पहले ही हम डाटा में से सब कुछ क्वेश्चन पढ़ के लिख लेते हैं, हाँ ये कर लिया, क्या लिखा, what is the area of the glass, है? अब ये herbarium है, जैसे aquarium होता है वैसे herbarium है। अब फिर से मेरा क्वेश्चन है, herbarium आपका जो बनेगा, मतलब जैसे एक्वेरियम में मछलियां रहती हैं, हर्बेरियम में पौधे रहते हैं, ये तो हर्बेरियम है, कितने सरफेस लेंगे अनीशा इसमें, ऑप्शन दो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 बता भाई कितने सरफेस लेगा, बेटा आज दिमाग घर पे छोड़ के आया देखो तो, क्योंकि जब तूने कोऑर्डिनेटर पढ़ा था तो लगा था कि तू ठीक ठाक लगा है, आज तो ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है मतलब कुछ भी नहीं कि चार्जिंग खत्म हो गई है। अरे कितने सर्विस लेंगे, 3 सर्विस, हर मेरियम में तो ग्लास लगाएगा 3 तरफ से लगाएगा, अरे सर 5 लगाएगा, कहाँ नहीं छोड़ेगा, नीचे तो रहेगा ना, इंक्लूडिंग बेस है, ये ले ले बेटा, ये ले ले, तकलीफ क्यों कर रहा है, पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिर भी तुम उसको समझ में नहीं आ रहा। अनीशा अभी तक नहीं आएगा, मैंने बोला ना जिस एक्वेरियम क्या होता है, मैं बता दूं मेरे एक्वेरियम क्या होता है पता है ना, जिसमें हाँ जैसे एक्वेरियम होता है मछलियों के लिए, वैसे हर्बेरियम किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें 6 तरफ से ग्लास कवर करना है, बेसिकली ये ग्रीन हाउस बन गया, ठीक है। चलो तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है ऑफ क्या, ऑफ ग्लास, शीशा, शीशा जो लगेगा वो कॉमन निकालिए, एलबी प्लस बीएच और प्लस एलएच, अब वैल्यू डालना आता है क्यों भी नहीं आता, ओ भाई साहब
डालना आता है वैल्यू, डाल देगा कि देव दो तीन में समझ में आएगा फिर अच्छे से, अलर्ट होकर नहीं बैठा हुआ है, आदत पड़ी भगा भगा खाने की, बस सर करते जाए हम नोट करते जाए। भगवान ने दिमाग किस लिए दिया हुआ है? जंग खाने के लिए रख रखा हुआ उसको। अब देखो पन्ना पलट रहा है, क्या समझ रहा ये गलत तरीका है। थ्री फाइव सर लगा मल्टीप्लाई कर लिख फाइव कैरी वन फिर थ्री टू सर सिक्स प्लस वन सर और एक लगा जीरो थ्री ये हो गया ऐसे होता मल्टी सर 2.25 अरे दुख होता अरे इनटू टू कर रहा हूँ सर अच्छा तो पहले क्यों बोलिए सर 4 to 5 हाँ ठीक है देखो सर 4250 देखो पास का आंसर तो मेरे निकला रे दाम सर 4250 यस सर क्या बात है टू इंटू में 30 इंटू में 25 प्लस 25 इंटू में 25 प्लस 30 इंटू में 25 पता नहीं मेरे को तो पता नहीं एंजल उसका देखा मैंने आपने कैसे मल्टीप्लाई किया एंजल इसका वो ऐसा बचपन वाला तो 25 की टेबल नहीं आती 3 की आती है फिर क्यों करा 3 का पहले 5 में करो 3 5 का 15 समझो मल्टीप्लाई पहले 1 में करते फिर 10 में करते तुम लोग अभी तक सीखा क्यों नहीं यार सारे पढ़ रहे हो 7 से उनकी क्लास कहां पढ़ी है तुमने तो कर लिया होगा 25 375 जरूरी है ठीक है चलो क्लोज करें बाकी अगली क्लास में करेंगे।